यह आवाज खुशी देने वाला नहीं है, यह तो दुख देने वाला आवाज है। हाँ, दुख देने वाला आवाज। लड़की पैदा हुई, मैंने तो सोचा था तुमसे शायद कि लड़का पैदा होगा और मेरे वंश को आगे बढ़ाएगा। बेटियां, आंगन की तुलसी बन घर को महकाती है बेटियां, हंसी टिटोली कर सबका मन बहलाती हैं बेटियां, पायल की रुनझुन सी गुनगुनाती है बेटियां, पानी सा निर्मल स्वच्छ नजर आती है बेटियां। क्यों देखते हैं दोयम निगाहों से इन्हें जमाने वाले, क्यों देखते हैं दोयम निगाहों से इन्हें जमाने वाले, किसी भी मकान को घर बनाती है बेटियां। बेटियां हर घर का सम्मान गर्व होती हैं, क्या नहीं सुनाई दे। अजन्मी बेटी की आवाज, क्या नहीं सुनाई देती तुम्हें उस अजन्मी बेटी की आवाज, जो करा रही तुम्हारे ही अंदर बार बार। मत छीनो उसके जीने का अधिकार, आने दो उसे भी जग में, लेने दो उसे भी आकार, लेने दो उसे भी आकार। क्या करेगी दुनिया में आकर बेटियां, कैसे जिएगी दुनिया में आकर बेटियां, उसे तो कदम कदम पर लड़ना है इस दुनिया में, उसे तो कदम कदम पर झेलना है जिल्लत इस दुनिया। माँ बाप ने दया कर पैदा कर दिया, तो बाजार में मनचले जुओकों के निगाहों की शिकार हो जाएगी बेटी। अगर निगाहों से लड़ते हुए जीने का फैसला भी कर लिया, बलात्कार की शिकार हो जाएगी बेटी। मासूम सी नन्ही सी परी सी बेटियां, जो दुनिया में इसलिए आना चाहती है कि यह दुनिया चल सके, दुनिया में निरंतरता बनी रहे, दुनिया चलती रहे, परंतु दुनिया वाले तो उससे जीने का हक ही छीन लेना चाहते हैं और एक बेटा पाना चाहते हैं। क्यों को आपकी दया से अगर वो बड़ी भी हो गई और जब शादी होगी तो दहेज प्रताड़ना की शिकार हो जाएगी और नहीं तो घरेलू हिंसा का शिकार हो जाएगी बेटियां, तो फिर इस दुनिया में वो आकर करेगी क्या। बिल्कुल नहीं, बेटियां लड़कों की तरह नहीं होती है। वह तो प्राचीन भारत में नगर वधु आम्रपाली बनकर रही है, मनुस्मृति के समय में उसका और पतन। उसका केवल धर्म बच गया पति का सेवा करना, पुरुषों का सेवा करना। दादा की छड़ी धड़ी का चश्मा तोड़ के। बाबर और इस्लामिक आक्रमण ने औरतों की स्थिति में और बदलाव लाया, औरतों का पतन और शुरू हो गया। बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा विवाह, पर्दा प्रथा, जौहर प्रथा, देवदासी प्रथा के बहाने
औरतों का खूब शोषण हुआ। मुगल काल में तो महिलाओं की सीमाएं जनाना खाना से आगे नहीं था, आज भी शायद नहीं है। मुझे लड़का ही चाहिए। सास के इस फरमान ने लड़कियों को कोख में ही मारने की परिकल्पना शुरू कर दी। उन्हें पैदा होने से पहले ही मारने की प्रथा शुरू कर दिया, भ्रूण हत्या। आखिर क्या करेगी वह लड़की पैदा होकर के? वह लड़की जो गोरखपुर में उसी का बाप उसके साथ बलात्कार कर देता है और विरोध करने पर उसकी हत्या कर देता है। मुजफ्फरपुर की वो अनाथ लड़कियां जिनको बेच करके कोई धन कुबेर बनना चाहता है। नाव की वह लड़की जिसके साथ बलात्कार कर उसकी हत्या करने की कोशिश की जाती है। और हैदराबाद जैसे शहरों में असंख्य इस तरह के केस सुनने और देखने में। हाँ, आप ही के कर्मों से तो सोनागाछी बना हुआ है, जीबी रोड बना हुआ है, गंगा जमुना बना हुआ है। तो आखिर बेटियां इस दुनिया में पैदा होकर क्या करेगी? आप कुछ भी कह लो, बेटियों का अस्तित्व खतरे में है। वो दुनिया में लाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ड्रॉप ए लाइक, लीव ए कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द